दुबले जी, कल आपने टोल पर जो ज्ञापन दिया, क्या समस्या को लेकर ज्ञापन दिया था? हम टोल नाका प्रभारी और वहाँ का जो स्टाफ है उसके कारण मांगलिया सिपरा क्षेत्र के कम से कम 100 गांवों के ग्रामीण परेशान हैं। टोल प्रभारी एवं उनके जो कर्मचारी हैं वो किसानों को डरा धमका कर डबल वसूली करते हैं और बहुत से लोगों के साथ में मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं। इसी संबंध में कल हमारे जिला पंचायत सदस्य यशवंत केलोदिया एवं हम के नेतृत्व में पिपरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं ग्रामीण जन ने कल टोल प्रभारी विशाल मेहता से मुलाकात की थी और उन्हें बताया कि आपके द्वारा विगत 2 साल से ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, डबल वसूली की जा रही है, सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। जितने भी राऊ खेड़ी से लगा के राऊ बाईपास तक पूरा सर्विस रोड उखड़ता है और ज़्यादा करके सर्विस रोड का उपयोग ग्रामीण जन ही करते हैं, तो हमने उनको बताया और उनके माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से नेशनल हाईवे वालों तक भी हमने हमारी बात पहुंचाने की कोशिश की कि सड़क के दोनों के सर्विस रोड की तत्काल मरम्मत की जाए और अगर गड्ढों के कारण बहुत से लोग जो जान गंवा चुके हैं उनको मुआवजा एवं उनके परिवार को नौकरी टोल कंपनी दे, क्योंकि इसमें बहुत से प्रकरण है कि गड्ढों के कारण 100-200 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, परंतु इस तरफ कोई ध्यान देता नहीं। कारण क्या है कि स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद जो भी बड़े नेता है वो उनको कंपनी फेड कर लेती है और उसका नतीजा है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र का जो सर्विस रोड उखड़ा पड़ा है। हमारी मांग है कि रोड के सर्विस रोड बनाया जाए, जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो मरे हैं उन लोगों को मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी नेशनल हाईवे कंपनी और टोल कंपनी दे और सेंट्रल लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि रऊ खेड़ी से लगा के रऊ बाईपास तक लाइट की व्यवस्था नहीं है। कंपनी सिर्फ करोड़ों अरबों रुपये कमाना जानती है, खर्च करना नहीं जानती, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उन्होंने आज तक नहीं पूछा। हमारे यशवंत जी केलोदिया निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं, लगातार इस क्षेत्र के इस मुद्दों को उठाते रहते हैं। ये हमारे सरपंच साहब है, जिला कांग्रेस महामंत्री यानी कि हमारे रामजी भाई साहब और हम सब पूरी ताकत से लगे हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि बड़े जो नेता हैं जैसे हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक तुलसीराम जी फिलावट, उनसे हमने कई बार बहुत सी बार इस मुद्दे को बताया तो उन्होंने कहा यार ये नेशनल हाईवे का मामला ये मामला है। मैंने कहा आप इस क्षेत्र के विधायक हो भाई, क्या कारण है कि कंपनी वाले ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे? कुल मिला के ये लेन देन का मामला है कि बड़े नेताओं को कंपनी 1000 रुपया दे देती है, इसके बाद में उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है कि यहाँ पर लोग मरे या गड़े या कहीं भी आए। हमारी यही मांग है, जिला पंचायत सदस्य जी ने इसके माध्यम के नेतृत्व में हमने कल मांग रखी कि दोनों तरफ की सर्विस रोड बनाई जाए, 2 पहिया वाहन चालक जो निकल रहे हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए और मांगलिया के अंदर टोल पुराने भाई साहब ये मुद्दा आप बताएंगे, भारी वाहन निकलते थोड़ा आप भी इस मुद्दे पर रोक थोक तो है नहीं, पुलिया भी छोटी बनी है, वो बड़े भारी वाहन आते हैं वहाँ से, तो आए दिन यहाँ पे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, लेकिन कोई उसका कोई सुनने वाला है नहीं। पुलिया के नीचे से निकलते हैं तो बिल्कुल नेट टू नेट निकलते हैं, कोई उसका खतरा तो हमेशा बना रहता है, लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था नहीं, अंधेरा रहता है हमेशा। ऐसे कितने गाँव होली कर मांगलिया 40 गाँव का सेंटर है, आप समझ जाइए कितना वहाँ पे भ्रष्टाचार होता होगा। जितनी बार जाते हैं उतनी बार वसूली की जाती है? बिल्कुल आने जाने में होती है, बराबर वसूली होती है। आपका नाम? भक्त ध्रुव अवस्थी। टोल नाके से जो आप बोल रहे हैं अवैध वसूली की जा रही है, तो कितनी वसूली करती है, एक बार में कितना टैक्स लेते हैं लोग? ये अवैध वसूली तो जब से बना है, जब से अवैध वसूली चल रही है, जो ड्राइवर जो बाहर की गाड़ी आती है, लोकल भी आती है, लोकल को डरा डपका के वो पैसे ले लेते हैं, बाकी बाद में फिर मगजमारी होती है तो हम लोगों जनप्रतिनिधि उनको जाना पड़ता है। इसी माध्यम से हमने कल ज्ञापन भी दिया है, बड़े अधिकारी को भी दिया है, विशाल मेहता को भी दिया, संजय जो पांडे हैं सबसे बड़ा अधिकारी उनका दिया, उनने आश्वासन दिया है कि हम देखेंगे। रही अवैध वसूली की, अवैध वसूली तो वर्षों से जब से ये स्थापना हुई है इस टोल नाके की, 500 का नोट ड्राइवर देता है, उसको 100 का नोट बता के वापस
10 रुपये या 20 रुपये दे देते हैं 500 का, उसको 100 के नोट में चलाते हैं 500 का नोट। ये धांधली बहुत चली है और अभी भी यही चल रही है। और ये कब चलती है? सुबह 3 बजे के बाद से लगा के सुबह 6 या 7 बजे तक चलती है। ड्रावर उनको सपा बेकूफ और आए दिन ड्रावर के साथ मारकूट होती रहती है। 7 बजे तक हजारों गाड़ी निकलती है और सब ड्रावर 500 का नोट देते हैं और उसके बाद में 100 का नोट बना के वो काट के देते हैं। आपने कल ज्ञापन दिया, अगर ज्ञापन तो कोई सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या? आगे कांग्रेस पार्टी खड़ी है, जिला कांग्रेस है, विधानसभा की जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हम मैदान में खड़े हैं। अगर न्याय दिलाएंगे और जिसके साथ में अन्याय होगा उसको न्याय दिलाएंगे और अवैध वसूली नहीं करने देंगे। और हमने ये भी मांग करी है कि हमारे जो लोकल जो गांव आते हैं 40-50 गांव, इनको एक जो वो बेरेल है उसको एक फ्री किया जाए। तो उसमें भी उनने हाँ करी है कि हम देखेंगे इसको, ये भी पास बनाया जाएगा या फिर पास भी बनाया जाएगा। तो हमारी बड़े अधिकारी से बात हुई है, उनने कहा कि हम देख के आप जनप्रतिनिधियों की बैठक लेके हम ये निर्णय लेंगे। आपका नाम? यशवंत केलोदिया, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 13, विधानसभा सावेर। शाम को वो कल शाम को ये ज्ञापन दिया था, उस मामले को लेकर आपके क्या विचार? नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवैध वसूली हो रही है, नाइट में तो हमेशा ही चलती रहती है। और धनपा से भी वहाँ के जो कर्मचारी बहुत ड्रावर कर बाहर से आते, वो मारपीट भी करते, कुछ कहने भी नहीं गए, खराब खराब वसूली करते। ऐसा कोई गंभीर मामला आया मारपीट? बहुत बार आया, यही बार पेपर में आया, बहुत बार आया। आपका नाम? दिनेश पटेल, पूर्व सरपंच कटवा।